Hello everyone, welcome to Easy Learning with Himal. So today I'm going to start with another important section of your writing skill, which is diary entry. So according to CBSE, aapka 7 to 8 marks ka question hamesha diary entry ka aata hai. So let's understand what is a diary entry. Now diary entry is basically a record of an individual's account of a day of his or her life. So basically it is the record of a day of a person. ठीक है, किसी भी इंसान की life का एक day जब summarize करके लिखा जाता है वो आपकी basically क्या होती है, diary entry. So it is a very personal document जो individual खुद लिखता है, he writes himself. So let's understand the basic format of diary entry, which is followed according to the CBSE. So now we'll look up to the format. Now it is a very simple format. From left hand side, from the very first line, write date. सबसे पहले आपको date लिखनी है. उसके बाद without leaving a line, you have to write day. Day of the week, whether it's Monday है, Tuesday है, day लिखना है. उसके नीचे फिर आपने लिखना है टाइम कि आप किस टाइम पे डायरी लिख रहे हो. और जनरली जो आप टाइम होता है वो आपका इवनिंग होता है, क्योंकि आपका पूरा दिन का रिकॉर्ड आप शाम को लिखते हैं, इवनिंग एंड नाइट का आपका टाइम होता है. ठीक है, टाइम. इसके बाद आपने लाइन छोड़नी है, ये एरो मतलब आपने इसके बाद लाइन छोड़नी है. उसके बाद आपने सैल्यूटेशन लिखनी है, डियर डायरी. व्हाई डू वी राइट डियर डायरी, बिकॉज जब आप डायरी एंट्री लिख रहे हो तो आप इस तरह से लिख रहे हो दैट यू आर टेलिंग योर थैंक्स टू द डायरी. तो एक तरह से डायरी इज एक्टिंग लाइक योर फ्रेंड. डियर डायरी के बाद आप फिर लाइन छोड़ेंगे और फिर आपका आएगा मेन आपका कंटेंट. ठीक है, ये आपका कंटेंट एक सिंगल पैराग्राफ में होगा. आपने डायरी एंट्री में यू डोंट हैव टू चेंज द पैराग्राफ्स, यू हैव टू राइट अ सिंगल पैराग्राफ एंड योर कंटेंट विल बी इन 8200 वर्ड्स, मिनिमम 8200 वर्ड्स. जहाँ पे भी आपका कंटेंट खत्म होता है, लीव अ लाइन एंड जस्ट राइट योर नेम. ठीक है, सो डायरी एंट्री बहुत ही इनफॉर्मल होते हैं, तो डोंट राइट अ फुल नेम, जस्ट योर फर्स्ट नेम. फॉर एग्जांपल मेरा नाम हिमाल शर्मा है, तो मैं सिर्फ हिमाल लिखूंगा. ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ डायरी एंट्री. डेट, डे टाइम, लीव अ लाइन, राइट डियर डायरी, योर कंटेंट 8200 वर्ड्स, एंड देन लीव अ लाइन एंड राइट योर नेम. अब मैं फॉर्मेट में लिखी एक एक चीज को अच्छी तरह एक्सप्लेन करता हूँ. सबसे पहले आपने डेट कैसे लिखनी है. सपोज आज जो डेट है वो है 21st August. ठीक है, तो अब आपने डेट इस तरह से नहीं लिखनी है 21/8/17, दिस इज अ रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग डेट. आपने लिखनी है 21, नेम ऑफ द मंथ. अब अगस्त है तो लॉन्ग नेम है, तो अगर आप पूरा नहीं लिखना चाहते इसको आप AUG इतना लिख सकते हैं, 17. तो ये तरीका है आपका डेट लिखने का. ठीक है, उसके बाद डे जो आपने लिखना है वो फुल नेम होना चाहिए. अगर मंडे है तो आप यू कैन नॉट राइट MON, ट्यूजडे है तो आप TUES नहीं लिख सकते. अगर डे आपने फुल लिखना है, मंडे, सैटरडे, ठीक है, डे पूरा लिखना है. नेक्स्ट आता है टाइम. ज़्यादा प्रेफरेबल टाइम कैसा होता है, जैसे कि सपोज आप शाम के 7 बजे लिख रहे हैं. ठीक है, या 7:30 लिख रहे हैं, तो 7:30 hours. या अगर आप शाम को लिख रहे हैं तो ये होगा 19:30 hours. ये ज़्यादा प्रॉपर टाइम है. नहीं तो आप 7:30 PM भी लिख सकते हैं, बट ये ज़्यादा करेक्ट माना जाता है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश. तो आप इस तरह से ट्राई करें, रात के 10 बजे लिख रहे हैं तो 22:00 hours. ठीक है, ये आ गया आपका टाइम. फिर आपने डियर डायरी लिखना है. अब मैं आपको बताऊंगा कंटेंट आपने कैसे लिखना है. सबसे पहले कंटेंट आपने हमेशा फर्स्ट पर्सन में लिखना है, क्योंकि आप ही डायरी लिख रहे हैं, तो आपने आई, फर्स्ट पर्सन मीन्स आपने आई वर्ड का इस्तेमाल करना है. आई वोक अप अर्ली, तो कहाँ से स्टार्ट करना है, आपने आई से हमेशा हर सेंटेंस. ठीक है, और दूसरी चीज जो आपने टेंस यूज करना है. ठीक है, जो आपने टेंस यूज़ करना है डायरी एंट्री में, अगर आप प्रॉपर डायरी एंट्री लिख रहे हैं तो
आप सिंपल पास्ट यूज करिए, आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करिए, या आप फ्यूचर टेंस यूज करिए। ठीक है, सिंपल पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट फ्यूचर टेंस, अगर आपको टेंसेस में प्रॉब्लम है तो लुक अप टू माय मोर वीडियोस, मैंने टेंसेस पे वीडियोस बनाया वो देख लीजिए। सिंपल पास्ट मतलब वी टू फॉर्म, जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल हैव टू राइट आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो जो आपने वोक वर्ड यूज किया वो वी टू फॉर्म है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, सपोज आपने लिखना है कि मैं शाम को फुटबॉल खेल रहा था, तो आप कंटिन्यूस में लिखोगे तो ये गलत है। आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल इन द इवनिंग, ठीक है, सेंटेंस का मीनिंग गलत नहीं है, बट जनरली हम डायरी एंट्री में प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। सो व्हाट यू विल प्रेफर, आप प्रेफर करिए तो आप लिखिए आई हैव प्लेड, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फुटबॉल इन द इवनिंग। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करें। थर्ड इज फ्यूचर, फ्यूचर का आप कोई भी टेंस यूज कर सकते हैं, वेदर इट इज सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर का कोई भी टेंस यूज कर सकते हैं। पास्ट में सिंपल पास्ट प्रेफर करिए, प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट प्रेफर करिए, और कंटेंट हमेशा एक जनरल सेंटेंस से स्टार्ट करिए, दैट हाउ यू आर फीलिंग, व्हाट इज योर मूड, देन कंटेंट के मिडल में यू स्टार्ट एक्सप्रेसिंग योर इवेंट्स की उस दिन में कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं एंड फीलिंग्स टूवर्ड्स दैट इवेंट्स, और एंड में आपने हमेशा कंक्लूजन लिखना है कि व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम द डे एंड व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स। तो स्टार्ट विद अ जनरल सेंटेंस, सेकेंड यू हैव टू एक्सप्लेन योर एक्शंस एंड फीलिंग्स टूवर्ड्स दैट एक्शन, एंड थर्ड वॉट यू हैव लर्न फ्रॉम दैट डे एंड वॉट आर योर फ्यूचर प्लान्स। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे यू कैन ईजली स्कोर गुड मार्क्स इन डायरी एंट्री। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन, मैं आपके डाउट्स वहाँ पर क्लियर कर दूंगा। सो एट द एंड आई वुड लाइक टू से प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, शेयर विद योर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।